हालांकि इनको मैं पहले ब्लॉग में लेना चाह रहा था, लेकिन ये अपना बुढ़ापा छुपाने के लिए नहीं आ रहे थे। अभी भी शर्मा रहे हैं। अब इसमें शर्माना क्या, अब बुढ़ापे को अग्रसर हम लोग हैं ही, तो किसी का कुछ समय पहले तो किसी का कुछ समय बाद, बस वो तो होना ही हो। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्रेश न्यू ब्लॉग। और जैसा कि आज मंगलवार है, फिलहाल अभी हम वॉक के लिए निकले हुए हैं अपने घर के नज़दीक वाली सड़क पे, और मेरे साथ दादी आज भी हैं, तो अभी वॉक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जिम की ओर निकलेंगे, जो कि हमारा यूजुअल रूटीन है, तो इसको फॉलो करते हुए आज आगे के काम को आगे बढ़ाएंगे फिर। तो फिलहाल अपना वन साइड का वॉक कंप्लीट करते हुए रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुँच चुके हैं, और ये देखिए सामने सूर्य देवता भी अपनी लालिमा बिखरने को तैयार हैं। तो बस यहाँ से वापस चलते हैं घर की ओर और वॉक को कंप्लीट करते हैं। फिलहाल अभी वॉक अपना कंप्लीट करके आ गए हैं घर पे, और अभी अपना शेक पी के फिर निकलेंगे जिम की ओर, क्योंकि लेट हो जाता है वहाँ पीने में, इसलिए अभी पी लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसकी वजह से मुझे सर्दी हुआ है नालायक की वजह से। बढ़िया तो है, क्या बढ़िया है, अच्छा सबको हुआ है उसे का। इसका मतलब क्या, तुम सबको फैलाओगे? अच्छा आपको कहा हुआ, जबरदस्ती मेरे पास आके बैठ गया था, आपने बुला दिया। अच्छा मतलब आगे एकदम चिपक जाओगे सर्दी फैलाने के लिए। मम्मी क्राउन होगा तो तुमको मारेंगे हम, याद रखना। पहले आप चिंता रहेगी तब मारिएगा। ये देखिए उत्कर्ष आज एक नया स्टंट करने जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये इसका कंप्लीट हो गया, और कुछ करोगे? फिलहाल अभी हम लोग जिम के लिए जा रहे थे, लेकिन ये फिर से आज किस्मत खराब है अपनी, रेलवे क्रॉसिंग पे फंसे हुए हैं। वो कहते हैं ना, जब आप लेट हो रहे हो तो सारी कायनात आपको लेट कराने में लग जाती है, तो आज भी मेरे साथ वही हुआ। निकला तो मैं ऑलमोस्ट टाइम से ही था, उधर क्रॉसिंग पे फंस गया। आने में जो समय लगता है वो तो यूजुअल लगेगा ही फिर। तो फिलहाल अभी हम जिम पे पहुंच गए हैं और जल्दी से अपना वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। हालांकि वर्कआउट्स तो कभी जल्दी नहीं होते हैं, जो अपना यूजुअल टाइम लगता है करने में वो तो लगेगा ही। चलिए फिर आपसे बाद में मिलते हैं। सो इट इज 9:48 एंड जस्ट कंप्लीटेड माई वर्कआउट एंड गोइंग टूवर्ड्स होम। तो फ्रेंड्स अभी अपना बात वगैरह कुछ देर पहले कंप्लीट हुआ, उसके बाद अभी धूप में बैठे हुए हैं, थोड़ी तबीयत डाउन लग रही है, कुछ काम करने की इच्छा तो हो नहीं रही है। अभी चल के अपना लंच करते हैं, और गाड़ी को सर्विस कराना था स्कूटी को अपने, तो मूड करता है कि नहीं करता देखते हैं। तो अभी कुछ देर पहले मैं सोया हुआ था, तो अचानक से डायटिशियन की कॉल आ गई, तो बीच में मेरी नींद इंटरप्ट हो गई। तो अभी तो फिलहाल उठ चुके हैं, और मैंने गाड़ी भिजवा दी थी सर्विसिंग के लिए, तो अभी उसको लेने चलते हैं और उसको लेके आते हैं फिर। तो अभी हमारे कालों की सर्विसिंग हो चुकी है। हाँ बताइए। ये मैम आ रही हैं पेपर्स लेके। रुकिए मैं कर रहा हूँ। देखते हैं अभी कितना खर्च आया और बिल पेमेंट करके फिर निकलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। अभी फ़िलहाल मैंने बिल पेमेंट्स कर दिए है और अब निकलते हैं। आप देख सकते हैं इस एयर फिल्टर की कंडीशन मेरे स्कूटी की, जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इतना पोल्यूशन इस एरिया में कि कोई कितना भी आराम से चले, कितना भी सुरक्षित रखे,
होना ही होना है। यहाँ टाइमली सर्विसिंग अगर आप नहीं कराएंगे तो आपकी गाड़ी ख़त्म हो जाएगी। चलिए फिर यहाँ से निकलते हैं। ओ फिलहाल अभी हम लोग सेक्टर 9 में हैं और ये हमारे क्रांति भाई देखिए साथ में, इनको ठंड का कोई भरोसा नहीं है। किसी दिन गर्मी रहती है, किसी दिन इतनी ठंडी हो जाती है, हालत ख़राब हो जाता है। मुझे अभी भी मुझे बर्फ़ का इंतज़ार है। बस यहाँ भी शिमला हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, बस बर्फ ही नहीं गिर रही है यहाँ पे। शिमला का टूर का पैसा तो बच जाएगा, बर्फ का मजा ही नहीं। हालांकि थोड़ी लाइटिंग कम है इसलिए चेहरा क्रांति भाई को उतना क्लियर नहीं आ रहा है। इनको चलिए आपसे कभी दिन में मिलवाते हैं, आपको कहीं टूर पे निकलेंगे तो उनसे मुलाकात होगी अच्छे से। तो अभी घर की तरफ जा रहे थे तो अभी अपने चाचा जी की दुकान पे रुके हैं। हालांकि आपको देख के नहीं लगेगा कि हमारे चाचा जी लगते हैं, क्योंकि हम लोग सेम एज ग्रुप के हैं और बस हमसे 2 साल बड़े हैं। बस ये इनकी शॉप है रुद्र ट्रेडर्स, ये प्लाई और पेंट्स के क्या है रिटेलर है ना। तो हाँ, हालांकि इनको मैं पहले ब्लॉग में लेना चाह रहा था लेकिन ये अपना बुढ़ापा छुपाने के लिए नहीं आ रहे थे। अभी भी शर्मा रहे हैं। अब इसमें शर्माना क्या, अब बुढ़ापे को अग्रसर हम लोग हैं ही तो, और किसी का कुछ समय पहले तो किसी का कुछ समय बाद, बस वो तो होना ही हुआ है। अगर आपको किसी भी ओमिक्रॉन तो नहीं हो गया, हमें असर लग रहा है ऐसा ना, मुझे हो गया लग रहा है। परसों पेपर देने गए थे वहाँ पे पूरा था तो वही माहौल था पूरा वहाँ पे। चलिए अगर आपको कोई ज़रूरत होगी तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं इनके शॉप पे। तो फ्रेंड्स अभी हमारे होटल क्लस के पास ओबरा में, यहाँ पे मेरी छोटी बहन आई हुई है अपने फ्रेंड की शादी में, तो फिलहाल अभी मैं उसका वेट कर रहा हूँ। जैसे ही आती है फिर उसको लेके घर पे चलते, घर पे जाएंगे और इस ब्लॉग की भी एंडिंग करेंगे, क्योंकि आज का ऑलमोस्ट डे तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस टाइम रात के 11 बज रहे हैं तो अब तो कुछ बचा ही नहीं दिखाने को। तो अभी घर पे पहुंच चुके हैं और 11:30 बज गए हैं, तो इस ब्लॉग को भी अभी एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और हमें मोटिवेट करने के लिए अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।